आज हम एक नया न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेकंड न्यूमेरिकल है, इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल और देख चुके हैं। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी सेम पिछले वाले न्यूमेरिकल के जैसा ही है, बस कुछ फ़र्क है। इसमें 3 पॉइंट लिए गए हैं और इसमें कह रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया पहला क्वेश्चन कि वेक्टर फ्रॉम ए टू सी, यानी कि हमें दिया गया है गिवन 3 पॉइंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज दिस दिस एंड दिस। फाइंड करना है वेक्टर फ्रॉम ए टू सी एंड यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए एंड डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि पहला नंबर वेक्टर फ्रॉम ए टू सी, पहले हमने उतारा और जो हमारे पॉइंट दिए गए हैं उसको सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर के रूप में लिख लिया। ये ए वेक्टर हो गया, 3ax कैप माइनस 3ay कैप एंड प्लस az कैप, इसी प्रकार ab लिख लिया गया है एक वेक्टर के रूप में। इसके बाद पहला क्वेश्चन है वेक्टर फ्रॉम ए टू सी, हमने ए सी वेक्टर लिखा, हम जानते हैं इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हम जानते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। यानी सी वेक्टर हमारा ये है, इसमें से हम ए वेक्टर घटा दें तो हमारा ए सी वेक्टर निकल आएगा। तो हम कर देते हैं, जब हम इसमें से इतना माइनस करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 2ax कैप एंड 3ax कैप, ax कॉमन हो जाएगा, यानी 2 माइनस 3, पहले सी वाला लिया ax कैप, फिर प्लस लगाया, इसके बाद ay इसमें भी है, ay ए वाले में भी है, तो ay कॉमन हो जाएगा, यानी 6 माइनस 2 यानी कि +2। ये बात आपके समझ में आएगी प्लस क्यों आया, क्योंकि सी माइनस ए कर रहे हैं, इतना माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस, इतना माइनस इतना, अब प्लस लगाएंगे, इसमें ए जेड कॉमन है और यानी कि माइनस का 4 माइनस 1 ए जेड कैप, ठीक है। आप लॉन्ग में भी कर सकते हैं, पहले इसको लिखे फिर माइनस करके इसको लिखे आ जाएगा, उससे भी मैंने कॉमन लिख के कर लिया। इसके बाद घटा देते हैं तो माइनस ए एक्स कैप आ जाएगा, प्लस ये ए वाई कैप मैंने नहीं लिखा, 8ay कैप माइनस 5az कैप, ये हमारा ए सी वेक्टर आ गया, वेक्टर फ्रॉम ए टू सी आ गया हमारा, ये हमें निकालना था। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए, हमें बी और ए मालूम है, अगर हमें बी से ए तक यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए एक्स ये भी ए एक्स, यानी कि इतना माइनस इतना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 3 6 ax कैप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना माइनस इतना यानी कि ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का ay कैप, इतना माइनस इतना यानी कि माइनस का 4az कैप। आप आराम से कर सकते हैं, मैंने जल्दी कर लिया समझाने के लिए। फिर इसके बाद इतना हो गया, ये वेक्टर निकल आया, हमें इसका मॉड निकालना है, मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका 1 का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो बी ए वेक्टर हमारा आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 46 6 6 12 53, अंडर रूट में 53 आ जाएगा। और अगर हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए, यानी कि बी ए ए कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका वेक्टर हमने निकाला 6ax कैप
प्लस ए वाई कैप माइनस फोर ए जेड कैप। ठीक है, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या किया हमने, हमने यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ये है, हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड इसका अपॉन में रूट में 53, ये हमारा आंसर आ गया। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, तो मैंने यहाँ से लिख लिया है कि बी सी यानी कि बी से सी तक डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, बी सी वेक्टर लिखा, उसके बाद हम जानते हैं कि सी वेक्टर को बी वेक्टर से घटा देने पर हमारा बी सी वेक्टर मिलता है, मैंने वो किया। सी वेक्टर की वैल्यू ये आप देख सकते हैं, सी वेक्टर की वैल्यू ये है और बी की ये है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मैंने वही किया है कि सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी की वेक्टर की वैल्यू लिख दी माइनस बी वेक्टर की वैल्यू लिख दी। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 to 5 ए एक्स कैप, ए वाई वाला देखते हैं माइनस माइनस प्लस 6 3 9 ए वाई कैप, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 4 9 यानी कि 5 4 9 होता है, ये माइनस का साइन आएगा ए जेड कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है यानी डिस्टेंस निकालनी है तो हमें इसका मालूम है कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बी सी वेक्टर इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, वाई वाला देखते हैं 9 9 81 होता है प्लस 9 9 81 होता है, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो आ जाएगा हमारा इसको जोड़ने पर 187, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका आंसर। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं।